आगे बढ़ते रहे। अब आपको बताएं कि मार्च कश्मीरियों की नहीं चोरों की आजादी के लिए है, आकाओं की खुशनूदी के लिए यौमे स्याह की सियासत के लिए चुना गया है। मॉब ने खसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट मौलाना फजलुर रहमान को सियासी हलवे का शिदाई करार दे दिया। मामने खसूसी ब्राइट लातो नशरिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का अपने ट्वीट में कहना था कि नवाज शरीफ की गुफ्तगू के बाद फजलुर रहमान के मार्च की बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। साबित हो गया कि उनका मार्च कश्मीरियों की आजादी के लिए नहीं चोरों की आजादी के लिए है। वो मजलूमों और बेकसों के लिए नहीं बल्कि करप्शन किंग्स के सियासी और मुआशी रोजगार को तहफ्फुज़ देने के लिए बाहर निकले हैं। मामने खसूसी ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समीउल्ला और कलीमुल्ला का खेल खेल रहे हैं। कभी बॉल शहबाज शरीफ के पास होती है तो कभी नवाज शरीफ के पास, ताहम दोनों गोल करने में नाकाम हैं क्योंकि दोनों के गोल पोस्ट अलग अलग हैं। मॉडल टाउन में होने वाला इजलास भी इसी खेल का हिस्सा है। जानते हैं कि फजलुर रहमान सियासी हलवे के शदाई हैं जिसके हसूल के लिए इस्लामाबाद को लॉकडाउन ना करें। अंदरूनी और बैरूनी अकाओं की खुशनूदी के लिए भारत के खिलाफ यौमे स्याह के दिन को सियासत के लिए चुना गया।